फ्लाइट इंडिया कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, इस सब चीज़ों पे जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो क्राइटेरिया के बारे में था, क्या क्या क्राइटेरिया अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। सेकेंड था कि अपना बजट कैसे डिसाइड करें। थर्ड था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें। तो आज जो है ना फोर्थ वीडियो है, तो थर्ड वीडियो तक मैं बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें। तो आप जो है अपना मेडिकल यूनिवर्सिटी अब तक सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो इसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। तो गाइस चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब्रॉड में जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा एडमिशन से लेकर आप यहाँ रह रहे हो इस टाइम तक। सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, ये मेन डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए, हमेशा ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है ना आपके पास होना चाहिए, वैसे कोई पूछता नहीं लेकिन आपके पास होना चाहिए। और आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं वो बता दूँ। सबसे पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्कैन कॉपी और नीट का रिजल्ट। अगर आप नीट एग्ज़ाम दिए हो तो नीट का रिजल्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। नीट का रिजल्ट जो है ना 2 साल के लिए वैलिड रहता है। ये जो है ना आपको स्टार्टिंग में स्कैन कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है ना 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट, HIV एंड 20-piece फोटोज़, ये डॉक्यूमेंट जो है ना आपको देना पड़ेगा वीज़ा के लिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को जो है ना इन सब में से मेन डॉक्यूमेंट बता दूं कि मेन जो है ना क्या डॉक्यूमेंट यूज आएगा एडमिशन में। तो एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट यूज आने वाला है वो है पासपोर्ट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद HIV एंड फोटोज जो कि जो है ना वीज़ा के टाइम में जो है ना यूज आता है। तो मेन ये डॉक्यूमेंट जो है ना आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो जब आप एडमिशन होंगे उस टाइम जो है ना आप आधार कार्ड पर जो है ना आप एडमिशन करा सकते हो, लेकिन पासपोर्ट जो है ना अप्लाई तुरंत कर देना, वो भी तत्काल। सो गाइस ये डॉक्यूमेंट था जो कि जो है ना आपके पास होने चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आप कैरी करके रशिया लेके आओगे उन सब डॉक्यूमेंट का एक कलर जेरोक्स जो है ना घर पे जरूर रख के आना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो जब मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा उस टाइम जो है ना प्रोसेस बताऊँगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट भी बताऊँगा कि आप फर्स्ट प्रोसेस जो होगा जैसे रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो जो भी आज मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट बताया वो सब जो है ना फिर नेक्स्ट वीडियो में रिपीट होने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।